चढ़ावा, नोटों की गड्डियां, सोने चांदी के जेवर, देखिए यह अद्भुत नजारा। डेढ़ करोड़ का श्रृंगार, मंदिर में कुबेर का खजाना, नोटों का वंदन वार, नोटों का झूमर, सोने चांदी के जेवर से सजा मंदिर, सीसीटीवी से हो रही पहरेदारी, आंखें चौंधी आ जाएगी इस खजाने को देखकर। नोटों का झूमर है, नोटों का वंदनवार, पूरे मंदिर की सजावट ही नोटों की गड्डियों से खास तरीके से की गई है। लड़ियां भी नोटों की ही है। मंदिर में ना नारियल चढ़ा है, ना ही माता को लोग चुनरी चढ़ा रहे हैं, बल्कि दीपावली पर खास परंपरा है रतलाम के प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर की। ऐसा श्रृंगार आपने पहले नहीं देखा होगा जिसमें सोने चांदी के जेवर है, नोटों से भरा माँ का दरबार है। इस खास श्रृंगार को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया जाता है। मैं रतलाम से ही हूँ, मेरी शादी यहीं हुई है। पिछले 5 साल से हम यहाँ हर दिवाली तो आते ही हैं और दिवाली के पहले भी आते हैं। बहुत भीड़ लगती है, लंबी लाइन लगती है, बहुत दूर दूर तक मंदिर को देखने के लिए लोग बाहर से भी आते हैं और बहुत ही सुंदर डेकोरेशन होता है। यहीं सजावट है, ये जो झूमर नोट से बनाया है एकदम ही अलग दिख रहा है और ये कहीं और देखने को मिलता नहीं है। ये रतलाम की स्पेशलिटी है, कहीं पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं देखा है। तो दिवाली के टाइम स्पेशली काफ़ी लोग यहाँ पर अपने लक्ष्मी रखते भी हैं, पैसे यहाँ पर जमा करवाते हैं, तो काफ़ी मान्यता भी है इस मंदिर की। जब मंदिर में आस्था का खजाना हो तो चौकसी भी बढ़ जाती है, निगरानी भी बढ़ जाती है। 24 घंटे पुलिस का पहरा रहता है, सीसीटीवी कैमरे भी पहरा देते हैं, लेकिन ना तो यहाँ से कभी नोट गायब हुए, ना ही जेवर चोरी हुए। कैसी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है मंदिर में, सुनिए। आज मेरे द्वारा महालक्ष्मी मंदिर का जो है परिवार के साथ भी मैं आया था, साथ ही सुरक्षा के कारणों का जो है, सुरक्षा के भी जो भी इंतजाम किया गया है उसको भी जो है देखा गया है। सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, साथ ही साथ स्टैटिक फोर्स लगाया गया है। जो अभी भीड़ है उसको प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए बैरिकेडिंग के साथ साथ जो है प्रॉपर बल भी लगाया गया है। अब मैंने एडिशनल एसपी को भी निर्देशित किया है कि अपनी टीम के साथ लगातार लगे, तो अच्छे से दिवाली हो सभी रतलाम वासियों के लिए, अच्छी दिवाली उसके लिए इंतजाम किए गए। अब इस परंपरा के बारे में भी आपको बताते हैं। आस्था बेहद खास है, 5 दिन तक महोत्सव मनाया जाता है। धनतेरस से शुरू हो जाता है ये खास उत्सव। लोग यहाँ महालक्ष्मी मंदिर में नकदी और जेवरात रखते हैं। सब लोग अपने घर से नोट और सोने चांदी के जेवर लाकर रखते हैं। 5 दिन तक ऐसे ही जेवर और नोट रखे रहते हैं। उसके बाद 5 दिन के बाद जिसने जेवर रखा है, नोट रखी है, उसे मिल जाता है। लोग इन नोट और जेवर को लकी चार्म मानते हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए ये अद्भुत नजारा धनतेरस पर, कुबेर का खजाना। रतलाम में सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और संभल में नगर पालिका के सीईओ का पालतू कुत्ता गुम हो गया। डॉगी को खोजने के लिए अनाउंसमेंट की जा रही है। डॉगी को ढूंढकर लाने वाले को 2000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। संभल की सड़कों पर एक डॉगी का खोजी अभियान चल रहा है। ई रिक्शे पर खोए हुए डॉगी की तस्वीर लगाई गई है और उसके लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है। दरअसल ये पालतू डॉगी नगर पालिका के ईओ का है, जो रात के वक्त गेट से बाहर निकला, जिसके बाद उसका कोई पता नहीं चल पाया। जैसे ही उसके खोने की खबर मिली तो हड़कंप मच गया। उसे नजदीक में काफी तलाश किया गया लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। वही डॉगी को जो सकुशल ढूंढ कर लाएगा उसे 2000 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की गई है। मेरा नाम पप्पू भैया, ये रिक्शा चला रहे हैं, कुत्ता गुम गया है। हाँ जी, किसका कुत्ता गुमा है? क्या नगर पालिका में यूसाब का है? हाँ, यूसाब का कुत्ता है सर जी। क्या हुआ, क्या घटना हुई? ये साहब रात के 10 बजे नगर पालिका से निकल गया, गेट खुला हुआ था, तो वो अभी तक मिला नहीं है। अच्छा, तो क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं? 2000 रुपये का इनाम है। कैसे इनाम है? अगर मिलने पे कुत्ता अगर किसी का मिलता है तो उसे 2000 रुपए दिए जाएंगे।
इस तरह से ईओ साहब के डॉगी की तलाश हो रही है। डॉगी के गायब होने के पीछे किसी की शरारत तो नहीं, अभी इसके बारे में पता चलना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और सुपर सिक्स